चले कन्हैया नहीं चले कन्हैया पापा भैया चले कन्हैया। तो गाइस आज है डे टू हमारा श्री राधा रानी की कृपा से श्री धाम गोवर्धन में। तो आज है 14/11/2023 गोवर्धन पूजा। तो हमने तो कल परिक्रमा दे दी थी और उसके बाद हम आज जा रहे हैं बरसाना। आज बरसाने धाम में पूरे दिन बिताएंगे, उधर से नंदगांव कीर्ति मंदिर घूमेंगे, उसके बाद फिर शाम को आएंगे नंदगांव जाएंगे। तो सभी को हैप्पी राधे राधे, गोवर्धन पूजा की ढेर सारी बधाई और आज नया साल, और सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे बोलते रहिए, राधे राधे बोल के जाइए, राधे राधे। चलिए तो फिर सीधे बरसाने धाम में मिलेंगे। बरसाने के लिए तो भाई बरसाने के लिए बैठ गए ऑटो में डमडमी। आज ऑटो से यार की बस तो आई नहीं रही है, बहुत रात के बस आई नहीं है, ऑटो में बैठ गए ऑटो से जाते हैं धीरे धीरे मिलते बरसाना धाम। जय जय श्री राधे। गाइस ऑटो में 30 मिनट लगे, पहुंच गए बरसाना। अब इधर से जाएंगे नंदगांव, नंदगांव के लिए रिक्शा पकड़ेंगे। पहले कुछ खा लेते हैं, पा लेते हैं, बड़ी भूख लगी है। राधे राधे खाली पेट भजन भी नहीं होता भैया, पहले खा लेते हैं राधा राधा। अब तो आ ही गए श्री जी के धाम में। जय जय श्री राधा, जय श्री राधा। नंदगांव के लिए रिक्शा पकड़ लिया है, चलते हैं सीधे नंदगांव। आ चुके हैं हम नंदगांव, ये देख ये रहा, आ गया भैया आ गया देख। अभी नंद बाबा के मंदिर चलते हैं, अंदर पहले कुछ पाते हैं फिर मंदिर में जाते हैं। गाइस खा पी लिया है एकदम पेट भर के, अभी चलते हैं मंदिर की तरफ। तो गाइस बहुत ऊंचाई पे आ गए बेटा, बस लगा दे रहे, चलो दे दिया पे है। सही लगा, राधे राधे भी लगते हैं। बोलो राधे राधे। मैं कैसे दे रहा है ना, तू लगा तो बेटा, मैं कहीं नहीं आ रहा। भैया आज तो किस्मत संवर गई, राधे राम लग गया मुख पे। वाह, तो यही भेजूंगा कि या भेजूं? तो गाइस बहुत पतली पतली गलियां हैं, एकदम पुंज गली देखी। अभी तो और चलना है, थोड़ा सा और चल के तब जाके नंद बाबा जी का मंदिर है ना। अभी आएगा, कितनी दूर और है भाई मेरे? 10 मिनट का और है। कितनी ऊंचाई पे आ गए अपन? ऊंचा कितना है? ऊंचा कितने फुट है? 15। अरे वो नीचे सीढ़ियां चढ़ के आते हैं वहां से, ये तो 15। उधर से कितना ऊंचा पता है? पता नहीं है, इसका मतलब ये ब्रजवासी नहीं दिख रहा मेरे को। हे भगवान, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। हेलो, आ जा आ जा, चलो सुन प्रदीप, प्रसाद ले लेते हैं, चप्पल जूते नहीं उतार। हाँ हाँ, चल इधर से प्रसाद ले लेते हैं और जूते हम अपने यहीं उतार देते हैं। तो देखिएगा आने ही वाला है मंदिर, आ गया है मंदिर। वो दिख गई चोटी मेरी, वो चोटी चाहिए। पहुंचने ही वाले हैं मंदिर, प्रसाद वगैरह ले लिया है। अरे भैया धक्का मुक्की चल रही है, बहुत भीड़ है। चलो अरे
पहुंच गए भैया, पहुंच गए। बड़ा कर दिया मैं तो। अरे वाह, क्या ही नजारा है, क्या ही नजारा है। जयकारे गूंजते हुए रात। जय जय की जय, आज के आनंद की जय, बहु माता की आनंद की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और एक बार भगवान के घर में सब लोग प्रेम से ताली मार के आओ, जिससे भगवान आप लोग जैसे अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का घर है, उसी प्रकार से नंद गांव में भगवान कन्हैया का यही अपना मैग घर है। यहां यशोदा मैया अपने कन्हैया को कहती थी कि पापा पैया और चले कन्हैया, क्योंकि इसी जगह यशोदा मैया ने इसी प्रांगण में कन्हैया को घुटमन चलाना सिखाया। तो मैं बोलूंगा पापा कन्हैया और आप लोग बोलेंगे चले कन्हैया, और अपनी अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा सा आगे आगे खिसकेंगे तो ये ब्रज की रज आपके कपड़ों में लगेगी और आप लोगों को नंद गांव में आने का लाभ प्राप्त हो। पापा भैया चले कन्हैया, 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 चले कन्हैया नहीं चले कन्हैया, पापा भैया चले कन्हैया, पापा भैया चले कन्हैया, पापा भैया चले कन्हैया। प्रेम से बोलो वृंदावन के हरि लाल की जय। बेटा तो आप लोग नहीं आ पाओगे क्योंकि उनकी आज्ञा नहीं है, और अगर कृपा हमारे नंद लाला की होगी तो आपको दो मिनट पहले जिस नंद भवन का वेद और पुराणों में गायन किया जाता है वही नंद भवन। आज आप लोग जिस जगह पर हैं ये वो स्थान है, यहाँ भगवान कृष्ण ठाकुर जी ने आपको कार्तिक महीने में आज गिरिराज पूजा के दिन आपको अपने घर में आने का, दर्शन करने का, बैठने का, इतना समय व्यतीत करने का आज आप लोगों को अवसर सौभाग्य प्रदान किया है। नहीं तो दुनिया में एक से एक बड़े करोड़पति अरबपति बैठे, उनका कई कई लाख रुपया एक एक डॉक्टर एक एक टेस्ट में लेता है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता नंदगांव बरसाना क्यों, क्योंकि उनका पैसा ही मंजूर नहीं। आज ठाकुर जी ने आपके ऊपर कृपा की, और उससे भी ज्यादा भाग्य वाली बात यह है कि हमारे यहाँ सबसे मुख्य आरती मानी जाती है राजभोग आरती, और आज ठाकुर जी की कृपा से आपको ठाकुर जी की उसी राजभोग आरती का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखो बुरा नहीं मानना, हम आप लोग कई रिश्तेदारी में जाते हैं, वहां दो घंटे एक चाय पर बैठ के एक दूसरे की भलाई बुराई सास मुक्ति करते रहते हैं, लेकिन वहां धीरे नहीं होती, कहीं मोबाइल में फोटो खींचने लग जाएंगे तो आधा आधा घंटा एक एक जगह पे खड़े होकर 10-10 पोज देके फोटो कराते हैं, रील बनाती है इसलिए, लेकिन वहां देर नहीं होती है। लेकिन मंदिर में जाके अगर 10-20 मिनट का समय पंडित जी ने बोल दिया तो पंडित जी का सिर्फ बोल दो। आज ठाकुर जी ने आपके ऊपर कृपा करी है कि आपको जबरदस्ती पकड़ के बिठा लिया है। अगर मंदिर खुला होता
तो आप में से भी किसी के पास में 5 मिनट से ज्यादा का समय है, क्योंकि आधे लोगों को तो गाड़ी की चिंता है और आधे लोगों को चप्पलों की चिंता है। मंदिर बंद है, भोग आगे आए तो ठाकुर जी ने जबरदस्ती पकड़ के उठाए और जाओगे। हमारे ब्रज में एक कहावत है कि आधी छोड़ पूरी को भाजे और ना पूरी मिले ना आधी पाओ। अब यहाँ से कहीं भी जाओगे पूरे ब्रज में आपको कोई भी मंदिर दर्शन खुला हुआ नहीं मिलेगा। अब सब मंदिर शाम को 4:30 और 5 बजे के बाद में थे। तो ठाकुर जी ने आज बड़ी तसल्ली से आपको अपने घर में बिठाया। एक बार बोलो राधा रानी की जय, एक बार हाथ ऊपर करो जय, और एक बार पैर से ताली मार के हंसिए, इससे भगवान आपको सब मंदिरों में गए होंगे। लेकिन आज ठाकुर जी ने आपको अपने घर में बुलाया है। इरादे रोज बनते हैं और बनकर बिगड़ जाते हैं, इरादे रोज बनते हैं और बनकर बिगड़ जाते हैं, लेकिन नंदगांव वही आते हैं जिन्हें हमारे नंदलाला बुलाते हैं। आज ठाकुर जी ने विशेष कृपा करके आपको अपने घर में बुलाया। एक बार फिर बोलो राधा रानी की जय। देखो हमारे यहाँ 3 तरह की यात्रा होती है। आप लोग अपनी गाड़ी से यहाँ तक पैदल चल के आए, वो हुई आपकी पद यात्रा। जो कुछ आप लोग नजर से देखेंगे ये हुई नजर यात्रा। कुछ दिखा कुछ नहीं दिखा उनका मुंह से नाम लेने से उसे कहते हैं मुख यात्रा। सब लोग हाथ जोड़ो और अपने मुंह से तीर्थों का नाम लो जिससे तुम्हारी यहाँ की यात्रा पूरी। सभी लोग अपने मुख से बोलो अष्टपदे, अष्टपदे हमारे हमारे नंदगांव धाम के, नंदगांव धाम के नंद बाबा के, नंद बाबा के यशोदा मैया के, यशोदा मैया के दर्शन दर्शन यात्रा यात्रा। हे नंद बाबा, हे नंद बाबा पूर्ण करना पूर्ण करना, भक्ति देना भक्ति देना, मनोकामना मनोकामना पूर्ण करना पूर्ण करना, धर्मे धन धान्य बढ़ाना, राजी खुशी घर पहुंचाना, राजी खुशी घर पहुंचाना, फिर बुलाना बाल बाल बुलाना, हजार बार बुलाना, हजार बार बुलाना। नंद बाबा की जय। यहाँ आने का क्या महत्व है, 2 शब्दों में यहाँ की महिमा है, ध्यान से सुनना जिससे आपको नंदगांव का पूरा इतिहास पता चले। कहते वृंदावन सो वन नहीं और नंदगांव सो गांव, और वंशी वर्षो वन नहीं श्री कृष्ण नाम सो। संसार में हमारे भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई भी दूसरा नाम नहीं है और हमारे नंदगांव के जैसा कोई भी दूसरा नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में कंस की जेल के अंदर। रावण आज वसुदेव जी ने उनको पहुंचा दिया यमुना पार करके गोकुल। गोकुल नगरी में जब पूतना सक्तासुर अरासुर बकासुर तृणावर्त आदि राक्षस जब नंद बाबा को तंग करने लगे तो नंद बाबा गोकुल को छोड़कर भगवान कृष्ण को 2 साल और 3 दिन की अवस्था में यहाँ नंद गांव लेकर आए थे जहां आज आप लोग बैठे। यहाँ पर हमारे नंद बाबा के गुरु जी थे शांतिलिय। उन्होंने माता जी अरे तुमको नहीं सुनना तुम चली जाओ, हल्ला क्यों कर रही हो? हम लोग अपने घरों में बैठ के नाटक देखते सीरियल देखते रिश्ता क्या कहलाता है। चाहे घर के कितने भी काम खराब हो रहे हो लेकिन उसको देखने के लिए समय निकाल ही लेती है तो यह हल्ला करती है। और जबकि 15-17 साल से देखते आ रहे हैं ना तो बनाने वालों को पता चला ना देखने वालों को पता चला ये रिश्ता क्या कहला। तो यहाँ बैठने से समय खराब नहीं हो रहा है, ये वो जगह है जहां बैठने से खराब समय भी सही किया जाए। और आज जिसके पास यहाँ समय नहीं है उसकी जिंदगी में कभी समय नहीं है। एक बार बोलो राधा रानी की जय। प्रेम से बोलो राधे रानी, राधे राधे। एक बार और हाथ ऊपर करो राधे राधे। और देखिए हमारे ब्रज में कहावत है जो यहाँ नहीं हंसेगा उसका घर कभी शांति से नहीं बसेगा। एक बार प्रेम से ताली मार के हंसा हो नंद भवन में लाल की।
की जरा मैं जरा घूम लूँ जरा नंद भवन की ब्लॉक तो बना ली एक वीडियो। वाह, और चारों तरफ देखिए भवन हमारे प्रभु का घर। तू आ जा पहले, आ जा उसमें टपक जा। नंद बाबा ने यहाँ पे आकर यहाँ के साधु देख के शानदार कोई दे रहा हूँ पहले तो हमारे यहाँ भी जो राजा विष्णु से एक साहूकार के वादे से वैष्णव लोग जो वर्षे संकल्प लेकर आते हैं जिन पर हमारी माता रानी श्याम सुंदर कृपा करते हैं। हमें सुना होगा इस गांव का नाम कॉलेज धाम हो गया क्योंकि नंद बाबा ने यहाँ स्वयं गाय था। जिस प्रकार से गुजरात में द्वारका बनी है महान चावल नाच का विशेष आंध्र प्रदेश में। ओ भाई अभी तो गाय अभी हम जा रहे हैं जी किधर से है मंदिर मंदिर का महाराज जी ऊपर कहाँ से जाते हैं क्यों उधर जी रही सीढ़ियाँ जी आ गई तो गाय अभी आता हूँ मैं ऊपर देखी वो वहाँ चोटी पे एकदम वाह क्यों 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 मैं तो भाई पहली बार आया हूँ उधर जिसको किसी को भी अच्छा लग रहा हो ब्लॉग वो कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देना वीडियो को शेयर कर देना। ये देखो वाह ये नंद गांव और नंद गांव जैसा कोई गांव नहीं अभी महाराज जी बता रहे नंद गांव जैसा कोई गांव नहीं। राधे राधे घंटा बजाएंगे घंटा रुक हट राधे वाह भाई बहुत शानदार देखिए व्यू ये मंदिर की का शिखर एकदम टॉप पे दिख रहा है एकदम टॉप पे शिखर ये मंदिर के नीचे वाह वाह बढ़िया स्टाइल है एकदम बेहतरीन वाह और भैया काफी ऊंचे आ चुके हैं वाह कहाँ गया रे प्रदीप जय श्री राधे तो गाइस ये देखिए असली मंदिर अब दिखाता हूँ आपको जय जय श्री राधे 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 बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो ये हमारे प्रभु का घर नंद बाबा का घर हमारे श्री कृष्ण भगवान का घर ये हो क्या मजा आ गया इधर तो मैं तो पहली बार आया हूँ आनंद ही आनंद आ रहा है चारों तरफ है ना और दिखाता हूँ उधर से ये देखिए एक दो शिखर ही शिखर है चारों तरफ पूरा ही नंद बाबा का घर श्री कृष्ण प्रभु का यहीं पर प्रभु पले बड़े हैं जय जय श्री राधे। तो गाइस ऊपर बोला तो गाइस ऊपर पूरा घूम चुके हैं अभी चलते हैं हम नीचे अबे ये तो देख साइनिंग साइनिंग लग गई पानी पी लूं क्या मैं ना पानी पी लूं ले तू यार ये चालू हो गई अबे ये तो खारा पानी है रे पीनी पिलना पानी हो गया खारा पीना वाह मेरे किशन कन्हैया वाह हम अरे वाह आज तो प्रभु के साथ फोटो खिंचाते हैं
सब लोगों के साथ खिंचाते हैं, भगवान के साथ वो तो अम्मा भी खिंचाते। ये नंद भवन का एक और प्रांगण, बैठने का एरिया, बैठने की जगह एरिया नहीं। वाह, ये श्री राधा रानी की थी। देख, जय जय श्री राधे। वाह, किशोरी की आंखें देख, ऐसा लग रहा है मेरी साइड ही देख। अबे यार हम उनकी तो खींच देते यार, वीडियो बना दूंगा। गाइस अभी मैं तो नंद भवन के इधर ही भवन में बैठ चुका हूँ और अब बड़ा आनंद आ रहा है। सामने संकीर्तन चल रहा है, हरे कृष्णा, अरे वाह। आइए डांस करते हैं, आइए नृत्य करते हैं, नृत्य आ जा। बरसाने धाम उधर भी नाच गाना करना है हमको जाके। तो सीधे निकलते हैं इधर से बरसाना, मिलते हैं सीधे बरसाने में। तो गाइस नंदगांव से पहुंच चुके हैं मारो प्यारो बरसाना, और हमारी श्री जी का धाम बरसाना। तो गाइस श्री राधा रानी के धाम में एंट्री कर दी है, अभी जाएंगे उनके मंदिर, उनके दर्शन करेंगे, फिर मैं आपसे मिलूंगा। क्योंकि इधर का ब्लॉग मैं नहीं बनाऊंगा रिपीट, एक ब्लॉग पहले बना चुका हूं श्री बरसाना धाम का, उसकी लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो सीधे आपसे दर्शन के बाद मिलता हूं मैं, तो तब तक के लिए बने रहिए। इसके बाद हम जाएंगे कीर्ति मंदिर, तो फिलहाल हम श्री जी के धाम में आनंद लेने जा रहे हैं, उनके दर्शन करने जा रहे हैं। तो एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। तो मिलते हैं दर्शन के बाद गाइस, कीर्ति मंदिर में मिलूंगा, सीधे आपको कीर्ति मंदिर ले जाऊंगा।
मंदिर की तो गाइस अच्छे से दर्शन हो चुके हैं राधा रानी के। ये देखिए मंदिर में ही है तो प्रेम से कह दो राधे राधे। अब चलते हैं कीर्ति में, राधे राधे। बाकी तो आप आते रहिए बरसाना, श्रीमती राधा रानी कृपा आते रहिए। तो गाइस घूमते घूमते आ गए कीर्ति मंदिर, और बहुत शानदार मंदिर है और तारीफ करी जाए उतनी कम है। देखिए अब इसमें अंदर प्रवेश करेंगे हम धीरे धीरे, अभी आपको बाहर की सुंदरता दिखाते हैं। राधे 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 राधे। कितने बज गए, 6 बजे हैं, अंधेरा सा हो गया, लाइटिंग का अलग ही मजा आ रहा है। देखिए बड़ी शानदार मंदिर, अब ये है इसका प्रवेश द्वार। ये हमने मंदिर में एंट्री मार ली है, अभी देखिए अंदर आ चुके हैं। और बहुत शानदार कहो तो मतलब क्या नजारा है कि मजा ही आ गया, मैं कह नहीं सकता, तारीफ बयां नहीं हो सकती, अति सुंदर शानदार शानदार जानदार, और मजा ही आ गया भैया। राधा रानी की सवारी निकल रही मुझे लगता है, देखिए दिखाता हूँ आपको। श्रीमती राधा रानी की जय हो। कितना प्यारा मंदिर है, और ये देखिए ये अपना रंगीली महल, जगत गुरु कृपालु जी महाराज की सवारी। जय हो प्रभु जी, जय हो। राधे राधे, जय हो प्रभु जी, राधे राधे, जय हो। पत्नी भी दूसरी जगह, हाँ हाँ दूसरी, राधे राधे। ये देखिए शानदार की जगत गुरु कृपाली जी महाराज की सवारी निकल रही है, राधा रानी के परम सेवक थे ये। अब देखिए बड़े ना संकीर्तन के साथ, ढोल ताशों के साथ निकली जाएगी सवारी। राधे राधे, देखिए चालू हो गया कि और आपको अंदर से कीर्ति मंदिर की सुंदरता दिखाता हूँ। चलिए श्री गोवर्धन महाराज जय। तो भाई अंदर से शूट नहीं करने दिया, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कीर्ति मंदिर आके हमारी लाडली जी की सुंदरता एक बार देख लीजिए, दिल घायल हो जाएगा। ये देखिए अति सुंदर एक और दुलारी जी, क्या बात है, राधे राधे। चारों तरफ लाडली की ही लाडली, वो देखता हूँ। तो गाइस मैं कहना चाहूँगा अंदर से कीर्ति महल में सुंदरता का ठिकाना नहीं है, और जिसमें से सबसे सुंदर एक ही चीज़ है, उधर हमारी कीर्ति माँ के हाथ में हमारी लाडली जी किशोरी जी का रूप स्वरूप देखकर दिल घायल घायल हो जाएगा। क्या कहना उस रूप का, मैं तो रोम रोम में भी जीपिया प्रकट हो जाए ना तो भी बयां नहीं कर सकता, इसलिए एक बार ही खुद ही आके देख लीजिएगा। देखिए एक और अति सुंदर मनभावन चित्र दिखाता हूँ, देखिए क्या प्रभु, वाह ये देखिए। ये देखिए एक और सुंदर अति सुंदर
बहुत ही सुंदर, क्या बात देखी नहीं क्या, क्या बात है भाई, देखो उसे। बिल्कुल सॉरी, माफ करिएगा सरकार। यो कहाँ है? ओ माँ, वो कौन हो, कौन जाओ जा रहे नौका बिहार कर दियो तो नहीं जाएगा, मिला था कौन नहीं जा रहा। गाइस एक और सुंदर चित्र रह गया था, वो भी आपको दिखाता हूँ। राधे 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 राधे, देखिए राधे राधे, प्रभु और माता बैठी हुई, बंसरी पकड़ के प्रभु तुम्हारे बैठे हुए, गोपियाँ पक्का कर रही हैं उनके लिए राग में। जय हो प्रभु, जय हो, ये जगमगाता हुआ पेड़ देखिए, वाह राधे राधे, आनंद ही आनंद चारों तरफ आनंद। राधे राधे, अभी तो इतनी 10 से 15 मिनट बैठेंगे फिर चलेंगे, बैठ के आनंद लेते हैं। राधे राधे, मजा आ रहा है। राधे राधे, उधर कीर्तन हो रहा है, मुझे लगता है उधर भी कीर्तन हो रहा है, कीर्तन ही कीर्तन चारों तरफ कीर्तन। इधर आके आदमी बच नहीं सकता, राधे नाम से घायल हो ही जाता है, राजी नहीं तो गैर राजी ही बोलना ही पड़ता है। राधे राधे, मूड ना हो तो भी राधे राधे, मूड हो तो भी राधे राधे, राधे 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 राधे, वाह वाह अति सुंदर, स्वर्ग जैसा लग रहा है भैया। स्वर्ग में आ गया, 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 वो रहा हमारी राधा। राधे राधे, इधर ही 10 मिनट बैठते हैं गाइस, मिलते ही जाते वक्त। जय जय श्री राधे। तो गाइस मैं अभी भी कीर्ति मंदिर में ही हूँ, और अभी इधर से जाएंगे सीधे हम रूम पर, रूम पर जाकर सो जाएंगे, फिर कल जाएंगे हम डे 3 में वृंदावन धाम। तो डे 2 में बरसाना धाम हो गया पूरा, डे 3 में वृंदावन धाम होगा, और डे 1 का ब्लॉग आज अपलोड करूँगा, तो आप देखिएगा जरूर, लोग कमेंट में बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा। तो डे 2 भी आनंद के साथ बीता श्री राधा रानी की शरण में, और कमेंट में बताइएगा जरूर कैसा लगा ब्लॉग, और जय जय श्री राधे। क्योंकि फ़ोन की बैटरी होने वाली है लो, फ़ोन हो गया पुराना, इस चक्कर में ज़्यादा देर तक मैं रख नहीं सकता, क्योंकि 10% ही बैटरी बची हुई है, ज़्यादा देर तक अगर मैं रुका तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो एंडिंग कर नहीं पाऊँगा ना, सुबह करूँगा तो आप लोग बोलोगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में डे 3 में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, और बोलती रहिए राधे राधे।